आपका अफगान साम्राज्य स्थापित किया था। हिंदुस्तान में पहला अफगान साम्राज्य जो आपका लोधी वंश के शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था, और उसके बाद यानी कि फिर मुगलों का शासन यहाँ पर स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद मुगलों का शासन जो है बाबर ने स्थापित किया था। फिर बाबर को बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा और हुमायूं को पराजित करके ही अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। अब इसी शेरशाह सूरी के बारे में हम पढ़ते हैं। ये आपका शेरशाह सूरी है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शक्तिशाली शासक था और बहुत योग्य सेनापति था, उसमें सैनिक शक्ति थी, और एक छोटे से जमींदार के बेटे से यानी कि एक पूरे हिंदुस्तान का आपका बादशाह बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, तो इसमें बहुत बड़ी योग्यता है, तो जो कि जमींदार के बेटे से बढ़ के और सुल्तान बनता है। इसके हम प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो ये आपको मालूम है शेरशाह सूरी हिंदुस्तान में सूरी वंश का संस्थापक था। और ये सूरी कौन थे? ये शूर राजवंश का संस्थापक शेरशाह अफगानों की शूर जाति का था, यानी कि अफगानिस्तानों में एक आपकी कबीला होता है, जाति होती है शूर, इस शूर जाति का ये आपका इसका संबंध था। शेरशाह का जन्म आपका होशियारपुर में हुआ था, और होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था, पंजाब के होशियारपुर में। और उनके जो दादा थे इब्राहिम खान सूरी, ये आपके यानी कि अफगानिस्तान से आए थे, और ये नरनौल क्षेत्र में एक इनको जागीर मिली हुई थी, वहां पर ये जागीरदार थे। अफगानिस्तान से आकर के ये आपके नरनौल क्षेत्र में आपके जागीरदार बन गए थे। उस समय दिल्ली शासकों का ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उनके पिता जो थे पंजाब में एक अफगान जो अमीर थे जमाल खान, उनके सेवा में थे। और शेरशाह के पिता की दो पत्नियां थी और 8 बच्चे थे। तो शेरशाह को बचपन के दिनों में उसकी सौतेले माँ बहुत सताती थी, और इसलिए उन्होंने घर छोड़ करके जौनपुर में पढ़ाई की। तो ये आपका इसका प्रारंभिक जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई। इसके बाद एक बात और है कि वो आपका जौनपुर में पढ़ाई करता है, और फिर आकर के आपका फिर वापस आता है पंजाब में, पढ़ाई पूरी करके फिर शेरशाह आपका 1522 में 1522 में आपका जमाल खान की सेवा में फिर आ जाता है। जमाल खान जिनकी सेवा में उनके पिताजी थे, वहीं पर ये फिर रहने के आ जाता है। पर उसकी जो सौतेली माँ है उसको ये भी पसंद नहीं आता है, और इसलिए उन्होंने आपकी जमाल खान की सेवा को छोड़ दिया, और फिर आकर के जो बिहार का शासक था आपका बहार खान नोहानी, इसके दरबार में आ गया। और फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद ने अपने पैतृक जागीर पर यानी कि कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इसी जागीर के लिए शेर खां और उसके सौतेले भाई सुलेमान के बीच विवाद हुआ। तो इस प्रकार से उसका जो प्रारंभिक जीवन था उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही उसको परेशान किया जाता रहा, लेकिन वो बहुत ही एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। और शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के लिए एक सैनिक के रूप में काम किया था, यानी कि आपका वो बाबर की सेना में भी रहा, और बाद में उन्होंने बाबर ने उसे यानी कि प्रमोट कर दिया और सैनिक की वजह उसको सेनापति बनाया, और फिर बिहार का जो इसको राज्यपाल अपॉइंट कर दिया, किसको? शेरशाह सूरी को। और 1537 में हुमायूं कहीं सुदूर यानी कि अभियान पर थे, तब शेरशाह ने बंगाल पर सूरी वंश स्थापित कर लिया। यानी कि आपका जिस समय आपका ये शेरशाह सूरी मतलब सॉरी ये आपका हुमायूं का शासन था, और उस समय यानी कि हुमायूं काफी दूर गए हुए थे उसको किसी विद्रोह को दबाने के लिए, तभी शेरशाह सूरी ने यानी कि बंगाल पर सूरी वंश की स्थापना करते, यानी कि वहां पर एक स्वतंत्र शासक के रूप में बंगाल में शासन करने लगा।
तो ये आपका शेरशाह सूरी जो है, आप देख रहे हैं कि एक छोटे से जागीरदार हैं उनके पिता, जिनको आपकी जौनपुर की जागीर मिली हुई है, और वहां पर भी यानी कि उसके भाइयों के बीच में झगड़ा इस जागीर के लिए होता है, माँ उसको परेशान करती रहती है, फिर वो अंततः आकर के आपकी बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और बाबर उसको प्रमोट करके सेनापति बना देते हैं। वो इससे भी संतुष्ट नहीं होता है, बाद में फिर यानी कि वो एक तरह से देखा जाए जो हुमायूं जब शासक बन जाता है तो हुमायूं के समय वो यानी कि बंगाल का यानी कि शासक बन गया। इसका जो रियल नेम था आपका, आपका असली नाम इसका फरीद खान था। ये बाद में जाकर के शेरशाह सूरी के नाम से कैसे फेमस हुआ उसकी भी एक कहानी है, उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये इसने एक जब आपका बिहार के शासक नोहानी के दरबार में था तब उसने एक शेर को अकेले मार दिया था, और जब शेर को इस तरह से पेंटिंग में दिखाया गया है आप देख पा रहे हैं, और जब उस शेर को मार दिया था तो फिर आपका जो इसको ये टाइटल दिया गया था आपका वो था शेर खां का, और ये शेर खां का जो टाइटल दिया था वो आपका विहार खान लोहानी जो था उसके द्वारा यानी कि दिया गया, और आपका शेर खान बाद में आपका शेरशाह सूरी बन गया जब यानी कि वो शासक बना। तो इस तरीके से ये आपकी फरीद से लेकर के और उसके शेर खां और फिर बाद में शेरशाह सूरी बनने का सफर है। शेरशाह सूरी ने यानी कि आपका 1529 में 1529 में आपका जो बंगाल का शासक था नुसरत शाह को युद्ध में हरा करके और हजरत अली की पाय धारण की थी, जिस समय यानी कि बाबर आपका मुगल बादशाह था उस समय उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में पराजित करके हजरत अली की पाय धारण की थी। फिर 1530 में बाबर के समय ही आपका जो मृत्यु होती है बाबर की, उसके बाद आपके चुनार के किले पर उसने अधिकार कर लिया, चुनार जो आपका यूपी में है ये 1530 में उसने, और वहां का जो आपका शासक था चुनार का ताज खान उसको यानी कि मार दिया, और उसकी जो विधवा थी लॉर्ड मलिका उससे विवाह कर लिया, और साथ ही उसने किले से काफी दौलत भी प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार से उसने अपनी सैनिक शक्ति को भी बढ़ाने के लिए धन को इकट्ठा कर लिया था, और ये आपका चुनार पर उसका अधिकार कर लिया। और इसके जो पिता थे उनका नाम था हसन खां, और हसन खां ये आपके बाबर की सेना में थे और जमाल खां की सेवा में रहे, और ये आपके जो बाद में आपका जो शेरशाह सूरी था विहार खान लोहानी जो बिहार का शासक था उसके अधीन ये भी आ गए थे, वो भी था। और विहार खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा जमाल खान सिंहासन पर बैठा, और उसके बाद आपका सूरजगढ़ की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बिहार में सूरी राजवंश की स्थापना हो गई थी। ये सूरजगढ़ की लड़ाई है उसके बारे में बताते हैं। ये आपका 1534 में 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में आपका जो ग्यासुद्दीन मोहम्मद शाह ये के फलों को यानी कि शेरशाह सूरी ने परास्त कर दिया था, और इसके बाद पूरा बिहार अब 1534 में इस तरह से यानी कि शेरशाह सूरी बिहार का निर्विरोध शासक बन गया। कब बन गया? आपकी सूरजगढ़ की लड़ाई के बाद यानी कि 1534 में। तो ये स्टार्टिंग में वो किस तरह से जीतता चला जा रहा है ये इसके बारे में हमने बताया आपको। अब मेन जो मुकाबला होता है वो आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं का होता है। शेरशाह सूरी आपका यानी कि हिंदुस्तान का शासक तभी बन सकता है जब वो हुमायूं को हराएगा, तो इसके लिए उसका शेरशाह सूरी का और हुमायूं का आपका दो युद्ध हुए थे, जो आपको मैंने उस समय हुमायूं पढ़ाया तब भी बताया था और अभी बता रहा हूँ कि आपका एक तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, और दूसरा आपका 1540 में आपका बिलग्राम का युद्ध हुआ, या इसको कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है।
इन दोनों युद्धों में जीतने के बाद शेरशाह आपकी 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, यानी कि आपका हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया, और उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की उसने स्थापना कर दी। पहला मैंने जैसा कि आपको बताया कि लोधियों का अफगान साम्राज्य था, दूसरा ये फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और बाबर के चंदेरी अभियान के दौरान उसने एक शब्द कहे थे, जब आपका इनकी बाबर ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय के खिलाफ उसने आक्रमण किया था बाबर ने, तब उसने शेरशाह ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से बाहर निकाल दूंगा। ये उसका पहले से ही मतलब विचार था, बहुत ही यानी कि सुदृढ़ था वो। और इसके बाद वो यानी कि हिंदुस्तान का शासक बन गया। चौसा का युद्ध आपका ये 1539 में हुआ था, और फिर बिलग्राम का युद्ध आपका इसी के बाद हुआ है 17 मई 1540 को, और आपका 1539 में चौसा और यानी कि 1540 में आपका बिलग्राम युद्ध के जीतने के बाद आपका शेरशाह सूरी ने 1540 में दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और यानी कि ये शासक बनने के बाद 1540 से लेकर के 45 तक उसने जो साम्राज्य स्थापित किया वो आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर का आपका जो मैप में जितना एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा उसने यानी कि मात्र 5 सालों में यानी कि हिंदुस्तान के इतने बड़े राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद आपका बंगाल शासक बनने के बाद जब 1540 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो 1541 में बंगाल का जो विद्रोह हुआ उसको दबाया। उसके बाद मालवा की लड़ाई 1542 में उसने की, फिर रायसेन और चंदेरी की विजय 1543 में की, और 1543 में ही उसने सिंध और मुल्तान को भी जीता। सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल का जो आपका विद्रोह हुआ है उसको उसने किस तरह से दबाया और वहां पर उसको क्या सफलता मिली। तो ये आपका बंगाल का सूबेदार उस समय आपका था वहां पर खिज्र खान, बंगाल का सूबेदार खिज्र खान था, और वो स्वतंत्र शासक की तरह वहां पर व्यवहार करने लगा था। कौन? आपका खिज्र खान। और इसके विद्रोह को कुचलने के लिए शेरशाह बंगाल आया और उसने खिज्र खान को बंदी बना लिया, और भविष्य में दोबारा बंगाल में विद्रोह को रोकने के लिए शेरशाह ने एक वहां पर नई प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित कर दिया। और इस व्यवस्था में उसने क्या किया, बंगाल को कई यानी कि जिलों में बांट दिया। उस समय जिले को सरकार कहा जाता था, और साथ ही प्रत्येक सरकार में एक छोटी सेना के साथ यानी कि वहां पर एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसको सिकदार कहा जाता था। ये सिकदार यानी कि उस जिले का प्रमुख होता था, और सिकदारों को नियंत्रित करने के लिए एक उसने गैर सैनिक अधिकारी अमीन ए बंगला अपॉइंट कर दिया। और ये सर्वप्रथम ऐसा यानी कि पद था जो इस पर यानी कि उसने काजी आपका फजीलात नाम के व्यक्ति को अपॉइंट किया था अमीर ए बंगला के पर। उसने बंगाल को जीतने के बाद वहां पर यानी कि नई तरीके की उसने प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी, जो कि अन्य यानी कि उसके जो सूरी साम्राज्य था उससे अलग व्यवस्था थी। बंगाल में एक अलग व्यवस्था बना दी उसने। और इसके बाद आपकी मालवा की विजय, मालवा विजय आपकी 1544 में हुई है, और मालवा के शासक को अपने अधीन करने के लिए कादिर शाह पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उस समय यानी कि मालवा का जो शासक था वो था आपका कादिर शाह, और वहां सॉरी ये आपका सॉरी वहां पर यानी कि जो आपका हाँ फिर ये आपका कादिर शाह ने शेरशाह से भयभीत होकर के सारंगपुर में उसके समक्ष समर्पण कर दिया। और उसके समर्पण के बाद मांडू उज्जैन और सारंगपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया, यानी कि आपका मालवा के कौन कौन सी जगह पर, मांडू उज्जैन और सारंगपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गया। और शेरशाह ने वहां पर
सुजात खां को मालवा का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, यानी कि कादर खां को हटा करके, जीत करके, और उसकी जगह पर आपका सुजात खां को गवर्नर अपॉइंट कर दिया। और वापस जाते समय उसने, जब वापस आ रहा था मालवा से, तो रणथंभौर भी गया और रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर लिया उसने, और वहीं पर अपने पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर बना दिया। कहाँ का बना दिया? आपके रणथंभौर का। इस तरीके से उसने मालवा के साथ साथ में रणथंभौर को भी जीतता हुआ चला गया। और इस मालवा विजय के बाद उसकी फिर रायसेन की विजय, ये उसकी बहुत बड़ी विजय मानी जाती है, और ये एक तरह से उसकी विजय के ऊपर धब्बा भी है। यहाँ उसके यानी कि धार्मिक तौर पर यानी कि असहिष्णुता दिखाई देती है, धार्मिक कट्टरपन भी दिखाई देता है, क्योंकि आपका 1543 में रायसेन के किले पर उसने घेरा डाला, और कई महीनों तक घेरा डालने पर भी शेरशाह को सफलता नहीं मिली, क्योंकि वहां का जो शासक था पूरनमल, वो बहुत ही यानी कि योग्य था। और अंत में यानी कि शेरशाह ने चालाकी से पूरनमल को, वहां के शासक जो रायसेन के थे, उसको आत्मसम्मान एवं जीवन की सुरक्षा का वायदा करके आत्मसमर्पण के लिए तैयार कर लिया। उसमें उसके जो दो अधिकारी थे शेरशाह सूरी के, वो थे आपके कुतुब खां और आदिल खां। इस शर्त के यानी कि गवाह बन गए, उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल पूरनमल जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आपके पूरा सम्मान आपका रखा जाएगा, आपका यानी कि जीवन को भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा, आप सुरक्षित हैं और आप अपना सरेंडर कर दीजिए। तो इस बात के दो उसके सेनापति थे, कुतुब खां और आदिल खां। तो इनके कहने पर उसने यानी कि, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो रायसेन के मुसलमान थे उनके दबाव में आकर के, और उसने राजपूतों को दंड देने के लिए शेरशाह ने फिर राजपूतों के खेमे पर चारों ओर घेर लिया, और अपने को घिरा हुआ पाकर पूरनमल और उसके सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ते हुए अपने निजी जान गंवा दी, और कई स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। और पूरनमल की एक जो बेटी थी, छोटी बेटी थी, उसको पकड़ करके और उसको यानी कि नाचने के लिए यानी कि बाजारों में छोड़ दिया गया था। इस तरीके से ये बहुत अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया था, जहां राजपूतों ने उसके साथ संधि करनी चाहिए उसकी शर्तों पर, लेकिन बाद में उनको यानी कि अपमानित महसूस होना पड़ा था। तो इस प्रकार से ये एक उसकी रायसेन विजय है, उसकी विजयों पर एक धब्बा माना जाता है। और उसके बाद आपका 1543 में उसने यानी कि आपका किसको जीत लिया? सिंध और मुल्तान को जीता। ये सिंध और मुल्तान की विजय आपकी आपका 1543 में हुई थी, और इसमें आपका शेरशाह ने हैबत खां के नेतृत्व में यानी कि आपका सिंध और मुल्तान के विद्रोही जो थे वक्स गंगा और फतेह खां, इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। देखिए शेरशाह ने किसको भेजा था? आपका हैबत खां को भेजा था आपका सिंध और मुल्तान पर, और वहां पर यानी कि सिंध और मुल्तान में उसमें वक्स लंगाह और आपका फतेह खां, इन पर यानी कि दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। शेरशाह ने मुल्तान में आपका फतेह खां और सिंध में आपका इस्लाम खां को सूबेदार अपॉइंट कर दिया। इस तरीके से उसने आपका यानी कि सफलता प्राप्त की, तो सिंध और मुल्तान भी उसके अधीन हो गया। इसके बाद आपका मालदीव से युद्ध, ये बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, और इसमें बहुत बड़ी मशक्कत के बाद में जाकर के आपका शेरशाह सूरी को सफलता मिली थी 1544 में। और कालिंजर अभियान उसका 1545 में हुआ था, उस कालिंजर अभियान के दौरान ही उसकी डेथ हुई थी। सबसे पहले हम आपका मालदीव के साथ में जो सेमल का युद्ध हुआ उसके बारे में देखते हैं। सेमल का युद्ध आपका राजपूत शासक जो थे आपके मारवाड़ के, शासक के साथ में, उसने वहां का शासक मालदेव था और अफगान शासक शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। और ये आपका सेमल जो स्थान है वो अजमेर और जोधपुर के बीच में है। ये बहुत ही फेमस युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान आपका उसने पूरी शक्ति झोंक दी थी, उसके बाद भी उसको सफलता बड़ी मुश्किल से मिल पाई थी। और इसमें ये था कि उसका रीजन क्या था,
जो यहाँ के शासक थे मारवाड़ के मालदेव, इनकी बढ़ती हुई शक्ति से शेरशाह काफी चिंतित था पहले से, इसलिए उसने क्या किया, बीकानेर के राजा कल्याणमल और मेड़ता के शासक आपके बीरमदेव के आमंत्रण पर, यानी कि राव मालदेव के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। इसमें सफलता मिली थी, इसमें उसको यानी कि छल का भी सहारा लेना पड़ा था। किसको? आपका शेरशाह सूरी को। इसमें यह था कि राजपूतों के सामने वो टिक नहीं पा रहा था, इस वजह से उसने क्या किया कि उसने अफवाह उड़ा दी। अफवाह ये थे कि उसने एक लेटर लिख करके आपके मारवाड़ के प्रधानमंत्री के यानी कि कैंप में डलवा दिया उसी युद्ध के दौरान, और उसमें ये लिखा था कि यानी कि हम उसमें ये था कि ऐसा लेटर लिखा जा रहा है जैसे कि यानी कि वो शेरशाह सूरी को लिखा गया, और वो गलती से यानी कि मारवाड़ के प्रधानमंत्री को मिल गया। उसमें ये था कि आप यानी कि निश्चिंत रहें और मैं आपकी सहायता करूंगा, और यानी कि आपके मारवाड़ के साथ गद्दारी करूंगा। इस प्रकार से यानी कि वो लेटर प्रधानमंत्री ने जब यानी कि राजा मालदेव को दिया करके, तो मालदेव को यानी कि अपने सेनापतियों पर और सामंतों पर अविश्वास हो गया। इसके लिए उसने उनके सामने विचार भी रखा, और सामंतों ने और यानी कि वहां के जो उसके सेनापति थे उन्होंने बहुत विश्वास दिलाया मालदेव को कि हम आपके साथ में पूरी तरह वफादार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ये मलूमन कमजोर हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उसके दो सेनापति थे जैता और कुंपा, इन्होंने यानी कि अपने लगे हुए अविश्वास को मिटाने के लिए शेरशाह की सेना से टक्कर ली, लेकिन वो बाद में वीर गति को प्राप्त हुए और इस युद्ध को आपका यानी कि शेरशाह ने जीत लिया था। लेकिन जीत जरूर लिया था, लेकिन शेरशाह ने कहा भी था इस युद्ध को जीतने के बाद, मैंने मुट्ठी भर बाजरे की हिंदुस्तान के साम्राज्य को प्राय खो चुका हूँ। मतलब यह है कि यहाँ पर चूंकि आपका राजस्थान एरिया है, मारवाड़ का, जोधपुर का, यहाँ पर बाजरा का उत्पादन ज्यादा होता है, और इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी, इसलिए उसने कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया होता। उसका कारण यह था कि एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था, इस वजह से कहीं कहीं पर यानी कि उसके खिलाफ विद्रोह भी होने लगे थे। ये आपका सैमल का युद्ध था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका 1544 में हुआ था। इसके बाद आपका कालिंजर अभियान, ये आपका शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था, और इसी अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु भी हुई थी 1545 में, 1545 में। इसमें माजरा क्या था वो आप देखें। ये आपका कालिंजर का किला है, बहुत ऊंचाई पर है, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, और यहाँ पर आपका जो शासक था यहाँ का चंदेल वंश का राजा कीरत सिंह था, चंदेल वंश के राजा कीरत सिंह का यहाँ पर शासन था। लेकिन उसने क्या किया था, रीवा के राजा आपका वीर भान सिंह को शरण दे दी थी। किसने? कीरत सिंह। इस वजह से आपका ये शेरशाह सूरी उससे रुष्ट था, और इसीलिए शेरशाह सूरी ने यानी कि 6 महीने तक यानी कि आक्रमण किया और यानी कि इस किले को घेर के रखा। उसके बाद उसको असफलता मिली, लेकिन बाद में उसने क्या किया, आपका तोप खाने का प्रयोग किया, और ये आपका यानी कि तोप खाने से, एक तोप का गोला आपके किले से की दीवार से टकराया, और टकरा करके आकर के ये जब इस समय यानी कि औहदे में वो बैठा हुआ था आपका शेरशाह सूरी, तो ये आकर इसमें लगा इसके यहाँ, और ये घायल हो गया, और ये इस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन किले को जरूर जीता लिया था उसने। नवंबर 1545 में शेरशाह ने कलिंगर पर घेरा डाला, और वहां के शासक कीरत सिंह ने शेरशाह के आदेश के खिलाफ रखी थी, इस वजह से किया था। महीनों तक घेराबंदी लगी रही, पर कालिंजर का किला बहुत मजबूत था, अंत में शेरशाह सूरी ने गोला बारूद का प्रयोग करके उसको जीता था, और उसकी यहाँ पर डेथ हो गई थी। तो ये 1545 में उसकी डेथ हो गई, मतलब 5 वर्ष ही शासन कर पाया, 1540 से लेकर के 1545 तक सिर्फ 5 वर्ष शासन कर पाया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है जो उसने बिहार में सासाराम में इसका निर्माण करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। ये खास बात है कि चारों तरफ से आपके झील के अंदर बना हुआ, ये झील के अंदर बना हुआ मकबरा है वो आपका शेरशाह सूरी का है। ये कहाँ पर है? बिहार में सासाराम। शेरशाह सूरी ने सासाराम में झील के अंदर मकबरा बनवाया, और
शेरशाह का जो मकबरा है बाहर से मुस्लिम प्रभाव दिखाई देता है और अंदर से इसमें हिंदू प्रभाव से निर्मित है। इसीलिए इस आपके मकबरे के बारे में पर्सी ब्राउन के बारे में आर्किटेक्चर के बारे में काफी कुछ लिखा है, तो इससे उन्होंने कहा है कि संपूर्ण भारत की ये सबसे अच्छी यानी कि रचना है, यानी कि ये बहुत इसको यानी कि बहुत प्रशंसा करते हैं पर्सी ब्राउन। अब शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जो हुए हैं उनमें आपका इसके बाद इसका बेटा इब्राहिम शाह सूरी बैठा और इसके बाद इस्लाम शाह सूरी, मोहम्मद शाह आदिल, सिकंदर शाह सूर और आदिल सूर, ये इस तरीके से आपके पर बैठे। और अब हम देखते हैं कि शेरशाह सूरी के बाद उसका दूसरा बेटा जो है इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा और उसने 1553 तक यानी कि 1545 से लेकर के 1553 राज किया, काफी शासन किया। और इससे यानी कि हुमायूं को भारत के साम्राज्य को फिर से प्राप्त करने का अवसर मिल गया जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और उसका कारण यह था कि इस्लाम शाह के बाद यानी कि उसके उत्तराधिकारियों में संघर्ष होता रहा, इसलिए शूर साम्राज्य काफी कमजोर हो गया और उसको 2 वर्ष के बाद ही मौका मिल गया। और 1555 में उसने 2 लड़ाइयां अफगानों के खिलाफ लड़ी और इसके बाद उसने यानी कि 2 लड़ाइयां, आपका एक तो मच्छीवाड़ा का युद्ध था, दूसरा आपका सरहिंद का युद्ध था। इन दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी ने आपका सिकंदर सूर जो यानी कि शेरशाह सूरी का वंशज था उसको पराजित करके दिल्ली और आगरा को जीत लिया था। शेरशाह सूरी एक कुशल सैन्य सेना के साथ साथ में योग्य प्रशासक भी था। उसके द्वारा जो नागरिक और प्रशासनिक संरचना अपनाई गई वो आगे चलकर के मुगल सम्राट ने इस्तेमाल की और विकसित की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी वाज एन एफिशिएंट मिलिट्री लीडर्स एज वेल एज ए क्वालिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, द सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय देम वेंट अहेड एंड यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय द मुगल एम्पायर अकबर। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसने जो यहाँ पर नागरिक शासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपका डेवलप किया और आपका इसी को आगे जाकर के अकबर ने यूज किया था और उसको आगे डेवलप किया था, इसीलिए इसको अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसमें उसने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, उसने शेरशाह सूरी का जो शासन था वो यानी कि बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था, हाईली सेंट्रलाइज आपका एडमिनिस्ट्रेशन था। और उसने साम्राज्य को 47 आपके डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, इनको सरकार कहा जाता था। और सिकदार ए सिकदारा और मुसिफ ए मुस्पा ये यानी कि अधिकारी वहां अपॉइंट किए जाते थे और प्रत्येक सरकार जो थी वो कई यानी कि परगनों में डिवाइड थी, इसको हम और डिटेल में देखते हैं। प्रांतीय शासन यानी कि पहले से शासन ने क्या किया, आपका सुविधा के लिए शेरशाह का राज्य जो था 47 यानी कि भागों में बांट दिया गया जिन्हें प्रांत या एकता कहा जाता था। और प्रत्येक प्रांत का जो प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था और प्रत्येक प्रांत कई जिलों में डिवाइड था और प्रत्येक आपका जो सरकार में जिला कहा जाता था उस समय 2 अधिकारी होते थे, सिकदार और सिकदारन जो मुख्य सिकदार होता था और दूसरा आपका जो मुंसिफ ए मुंसिपान ये होते थे। सिकदार का काम अपने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना था, ये सेना का वो एक तरह से पूरी तरह से प्रमुख होता था, शांति और व्यवस्था बनाए रखना ये आपका सिकदार का काम होता था जिसको सिकदारन ए सिकदार कहा जाता था। और मुंसिफ का जो काम होता था वो आपका रेवेन्यू से रिलेटेड होता था, आपका दीवानी मामलों का मुकदमों का निर्णय करता था। ये 2 अधिकारी थे, एक आपका सिकदारन ए सिकदारन और दूसरा आपका मुंसिफ ए मुंसिफा, ये आपके सरकार के स्तर पर अपॉइंट किए जाते थे, सरकार मतलब जिले के स्तर पर। प्रत्येक सरकार के अंतर्गत कई परगने होते थे यानी कि आपका
जिले के बाद जो इकाई होती थी वो परगना होती थी, आज के समय में उसको तहसील कह सकते हैं, और इनकी संख्या आपकी 7401 से ज्यादा थी, और प्रत्येक परगने में आपके दो तीन अधिकारी प्रमुख रूप से थे, सिकदार होता था परगने में, ये सैनिक अधिकारी होता था, और इसका मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना था, और आवश्यकता पड़ने पर अमीन को सैनिक सहायता देता था। अमीन यानी कि जो रेवेन्यू वसूली का, सिंचाई करके वसूली करने का काम करता था, उसको भी सहायता देता था। अमीन इस समय कार्य भूमि की माप करना बना था और यानी कि लगान वसूल करना था, दोनों ही यानी कि ये अमीन के काम होते थे। और उसके बाद था फोतेदार, ये आपका खजांची था, यानी कि आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। उसके बाद है कारकुन, ये लेखक होते थे, ये उस समय दो होते थे कारकुन, एक आपका हिंदू और एक मुसलमान, जो यानी कि रिकॉर्ड हिंदी और यानी कि आपका फारसी भाषा में रखते थे, ये आपके क्लर्क टाइप के थे, ठीक है। तो ये आपका उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन था। अब इसका फाइनेंशियल सिस्टम देखते हैं, वित्त व्यवस्था कैसी थी। राज्य की आय का मुख्य जो स्रोत था वो आपका भू राजस्व था, यानी कि लैंड रेवेन्यू था, लगान वसूली, और इसके लिए उसने एक नई व्यवस्था लागू की थी जिसको रैयत बाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। इस रैयत बाड़ी व्यवस्था में ये था कि अब जमींदारों के माध्यम से वो लगान वसूल नहीं कर रहा था, बल्कि डायरेक्ट यानी कि किसानों से अपने उसने कांटेक्ट किया, और उसके बाद अधिकारियों को अपॉइंट करके, कर्मचारियों को अपॉइंट करके ये किसानों से राजस्व की वसूली करता था। उसने शेरशाह ने भूमि की माप के लिए आपका आपका सिकंदर लोदी के द्वारा जो सिकंदरी गज स्टार्ट किया गया था उसका उसने उपयोग किया, जो 32 अंकों वाला था सिकंदर गज, और दूसरी उसने सन की डंडी आपका इसको यानी कि भूमि की माप के लिए उसने यूज किया था। तो ये आपका सिकंदर लोदी का काफी लंबे समय से सिकंदरी गज चला रहा था, उसका यूज उसने करना स्टार्ट किया था, भूमि के पैमाइश करके फिर उसने लगान को लगाना निश्चित किया था। शेरशाह ने भूमि सुधार के लिए आपका टोडरमल की सहायता ली थी, उसके समय एक अधिकारी जो था वो आपका था टोडरमल, ये वही टोडरमल है जो बाद में इसकी सेवाएं आपके अकबर के द्वारा ली जाती हैं, यानी कि अकबर को भी टोडरमल ने आपके रेवेन्यू में सुधार करने के लिए अपॉइंट किया था, और उसने भूमि की यानी कि मेजरमेंट करके पैमाइश करके फिर आपका रेवेन्यू फिक्स किया था, और इसने रैयत बाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों से भू राजस्व कर वसूल कर लिया, यानी कि पहले रैयत बाड़ी के तहत उसने ये किया। उसने किसानों से दो टैक्स और वसूल किए थे, जरीवाना और महेशलाना, ये दो अलग सा टैक्स है वो यानी कि लगान के अलावा थे। जरीवाना वो होता था कि जो भूमि के पैमाइश की जाती थी उसके एवज में आपका 2.5% लिया जाता था, और महेशलाना यानी कि जो टैक्स वसूल में जो लगे अधिकारी कर्मचारी होते थे उन पर जो खर्च होता था उसके लिए 5% यानी कि महेशलाना टैक्स लिया जाता था, और 2.5% आपका जरीवाना जो यानी कि जरीब डालने का काम करते थे, भूमि को मापने का खर्चा आता था उसके लिए। इसके समय में नगद रूप में और अनाज के रूप में दोनों रूप में यानी कि आपकी लगान की वसूली होती थी, कैश पेमेंट भी कर सकते थे और अनाज भी कर सकते थे। इसमें एक छूट और थी कि साल में दो बार भी की जा सकती थी, यानी कि साल में दो बार भी यानी कि आपका वो कर सकते थे टैक्स पे किसान, इसमें यानी कि जमींदारों से उनको मुक्ति मिल गई थी, किसको, किसानों को। इसमें आपका मॉनेटरी रिफॉर्म उसने क्या क्या किए, तो उसके समय में आपके 32 यानी कि आपके टकसाल थे, 23 मिंट्स थे उसके क्षेत्र में, और इस में से आपका उसके तीन सिक्के जारी किए गए थे, एक आपका सोने का सिक्का था जिसको असरफी कहा जाता था, और ये आपका 167
ग्रैन का था, वजन है इसका 165 ग्रैन, जो सोने का सिक्का सर्फी था। उसके बाद दूसरा आपका चांदी का सिक्का जिसको रुपया कहा जाता था, सोने के सिक्के को सर्फी और चांदी के सिक्के को रुपया, ये 178 ग्रैन का था। और उससे भी बड़ा था फिर आपका तांबे का सिक्का जो 380 ग्रैन का था, इस तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। इस तरह से उसने असरफी, रुपया और दाम, ये तीन सिक्के जारी किए थे। इनमें से आपका रुपया और दाम बहुत ज्यादा प्रचलित रहा, और रुपया तो आपका देखा जाए तो ब्रिटिश टाइम पीरियड तक चलता रहा। स्मिथ ने इसके रुपये के बारे में कहा था कि रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है, यानी कि आपका ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी ये आपका रुपया चलता रहा था जो शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया, पूरे मुगल टाइम पीरियड में चला, उसके बाद ब्रिटिश काल तक चलता रहा। और इसकी मुद्राओं पर यानी कि इसके जो पॉइंट्स थे, हिंदी फारसी दोनों भाषाओं में इसका यानी कि बादशाह का नाम लिखा रहता था, यानी शेरशाह सूरी का नाम आपका हिंदी में भी लिखा था और फारसी में लिखा था। इस प्रकार से इसका जो मॉनेटरी रिफॉर्म था वो काफी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद इसकी परिवहन व्यवस्था यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसने बहुत तेजी से काम किया था। इसने कई सड़कों का निर्माण करवाया था, और इसमें सबसे बड़ी जो रोड है वो जीटी रोड ब्रिटिश काल में रही, उस समय आपका शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था, तब इसको सड़क ए आजम कहा जाता था। ये आपके बांग्लादेश जो आज बांग्लादेश है वहां से लेकर के और पूरे उत्तर भारत में और फिर पाकिस्तान के पेशावर होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक ये रोड जाती है। ये यानी कि आज भी देखा जाए तो ये अलग अलग पार्ट में आपके बांग्लादेश से लेकर के और आपके हिंदुस्तान, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ये पूरी सड़क फैली हुई है। और इस सड़क का यदि हम इस वो देखें तो ये मैप है उसका, यानी कि आपका यहाँ से बांग्लादेश से लेकर के और आपके अफगानिस्तान के काबुल तक ये आपका इसका वो रोड है जिसको सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश काल में, उसको जीटी रोड। और आज यानी कि आपका NH1 और NH2 इंडिया में जो है नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 वो इसी के पार्ट है आपका जीटी रोड का। शेरशाह सूरी के मार्ग निर्माण के लिए मार्ग निर्माता के रूप में इसको जाना जाता है, और इसने चार बड़ी सड़कों का स्पेशली निर्माण करवाया था। एक तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर के और आपके आगरा, दिल्ली और लाहौर होते हुए आपका सिंध तक इसको यानी कि जीटी रोड का निर्माण करवाया, और ये आपके आगरा से लेकर के मांडू तक, यानी कि मांडू यानी कि आपका जो मालवा क्षेत्र में है मध्य प्रदेश में, वहां तक आगरा से मांडू तक इसने रोड बनवाई। और फिर एक उसने आगरा से लेकर के जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक आपका, और लाहौर से लेकर के मुल्तान तक, ये उसके द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया गया। तो इस तरह से उसने चार सड़कों का निर्माण करवाया। ये आपकी उस समय की उस व्यवस्था में यानी कि जो परिवहन व्यवस्था है उसमें काफी तेजी आई। और उसने पुराने किले का निर्माण करवाया, और उस किले के अंदर उसने एक मस्जिद भी बनवाई थी आपका। इस मस्जिद को जो नाम दिया गया था किला एक वहीना मस्जिद, ये किला एक वहीना मस्जिद का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया, कहां पर, इस पुराने किले में ही। और शेरशाह सूरी ने कन्नौज को यानी कि खत्म करके एक तरह से बर्बाद कर दिया था, वहीं पर उसने अपने नाम पर शेरसूर के नाम से नगर बसाया आपका। और 1541 में इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया, जिसको यानी कि आपका पौराणिक नाम में कुसुम ध्वजपुर इसका नाम है ना, पटना पाटलिपुत्र इसका हुआ नाम। उसके बाद आपका इसका नाम बदल के उसने पाटलिपुत्र का क्या कर दिया, पटना कर दिया। तो इस प्रकार से उसने ये नगरों का निर्माण भी किया, उसने बिल्डिंग का निर्माण किया, और ये आपका
ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये आपका रोहतासगढ़ का किला है। ये उसने उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में आपका सुरक्षा की दृष्टि से इस किले का निर्माण करवाया था। और ये आप बिल्डिंग देखें, दिल्ली का पुराना किला, इसी में किला एक वहीना मस्जिद है, वो ये है आपका दिल्ली का पुराना किला, शेरशाह सूरी की तरह बनवाया। और ये देखें आप, ये आपका किला कोहिना मस्जिद है जो उसी पुराना किले के अंदर है। ये आपकी 1541 में उसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था। ये आपका पटना है जो मान्य राजधानी है, ये 1541। और आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है कि उसने सड़कों के किनारे अपने राज्य में 1700 यानी कि सराया पर निर्माण करवाया। सराया एक तरह से यानी कि ये कह सकते हैं कि वो धर्मशालाएं टाइप की, जहां पर यानी कि सरायों को यानी कि डाक चौकियों के रूप में यानी कि आपका यूज किया जाता था इनका। और सर जी, यात्रियों की सुविधा के लिए उसने इन सड़कों ये पर समय यानी का कि दी एक दो कोस पर यानी कि लगभग 8 किलोमीटर पर यानी कि सरायों का निर्माण करवाया। और इन सरायों में यात्रियों के रहने के लिए, खाने के लिए, सामान सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्थाएं होती थी। और इन सरायों में हिंदू और मुसलमान दोनों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती थी। बहुत अच्छा यानी कि उसका ये सिस्टम था, जिससे उसके समय व्यापार काफी तेजी से आगे बढ़ा था, क्योंकि सड़क भी थी और यानी कि वहां पर लोगों को रुकने ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था मिलती थी, इसलिए व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूवमेंट कर लेते थे। शेरशाह विद्वानों को संरक्षण भी देता था। और इसके समय आपका मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, उनको संरक्षण दिया गया था, जिन्होंने पद्मावत, ये आपका हिंदी की श्रेष्ठ रचनाओं में माना जाता है, उसी के समय लिखी है। ये पद्मावत वही है जिसमें रानी पद्मावती है, जो आपके रणथंभौर के शासक, सॉरी चित्तौड़ के शासक आपके राणा रतन सिंह की जो पत्नी है, उन्हीं के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया है। और इस पर मूवी भी बनी है। और इतिहासकार स्मिथ ने आपका इसके बारे में कहा था, शेरशाह सूरी के बारे में, अगर शेरशाह सूरी जीवित रहते तो मुगलों का उदय नहीं पाता, क्योंकि उसने 5 साल में ही आपके 1540 से लेकर के 1545 के टाइम पीरियड में ही बहुत सारी अच्छी इतनी व्यवस्थाएं कर दी थी। यदि वो अकस्मात उसकी दुर्घटना में मृत्यु न होती तो वो यानी कि एक लंबे समय तक शासन करता और इतना स्थायी शासन कर देता कि अफगानों का ही शासन वहां पर रहता, दोबारा से मुगल स्थापित नहीं हो पाते। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। ये आपका शेरशाह सूरी के बारे में पूरी आपकी कंप्लीट क्लास हो गई।